चीन से किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित हो गया है। सरकार के बातचीत का न्योता मिला है। जमीन के उचित मुआवजे की आपको बता दें, किसान पहले से ही मांग कर रहे हैं और पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोकने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था और रेल की पटरियों पर धरना उनकी ओर से दिया जाएगा, ये कहा गया था। अब सरकार के बातचीत का न्योता उन्हें मिला है। हालांकि कल भी बैठक हुई थी और अब फिर से बातचीत का न्योता मिला है। जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जमीन के उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोकने का अल्टीमेटम दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, जींद से किसानों का रेल रोको आंदोलन अब स्थगित हो गया है। रेल रोको आंदोलन स्थगित हो गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या कुछ अभी चल रहा है इस आंदोलन को लेकर और बातचीत का न्योता जो मिला है, क्या लगता है कि सरकार अपना कड़ा रुख अपनाए रखेगी? ठीक है, जिसको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह किसानों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 11 तारीख को पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोकेंगे, उससे पहले सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए जो किसानों की एक कमेटी थी उसको वार्ता के लिए चंडीगढ़ बुला गया था, जहां किसानों के साथ उनकी वार्ता को सफल दौर बताया गया कि वार्ता में सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। ऐसा जो किसानों का प्रतिनिधित्व करे रमेश दलाल ने बताया कि वार्ता सही दिशा में जा रही है और जो किसानों की मांग थी उनको मानने के लिए सरकार ने सहमति जता दी है। जी, और अब किसानों का क्या कुछ कहना है और आज जो मीटिंग होने वाली है वो कितने बजे होगी? एक मैं बताना चाहूंगा, जिसका जो 12 तारीख को कल यानी कल मीटिंग होने वाली है सीएम मनोहर खट्टर से और परिवहन मंत्री अपने नितिन गडकरी के साथ उनके साथ मीटिंग होने वाली, जिसमें किसानों को जो उचित मुआवजा है एनएचआई के अधिकारी भी उसमें साथ में मौजूद रहेंगे, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश या किसी तरह का समाधान निकालने की बात कही जा रही है, जिसका फैसला कल होगा। जी, शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोकने का अल्टीमेटम किसानों की ओर से दिया गया था और इसको लेकर कल बैठक भी हुई थी और जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है उनका ये कहना है कि जो बैठक है वो सही दिशा में जा रही है। इसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से न्योता मिला है किसानों से बातचीत का। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें रहने वाला है, क्या सरकार पूर्ण तरीके से उनकी मांगे मांगती है या फिर अन्य चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है, लेकिन अभी स्थगित कर दिया गया है किसानों ने अपना आंदोलन।